मर जाता साला अभी रुक के करना माइक वगैरह की क्या चल रहा है यहीं तो भागा था प्रो राइडर ये किसी काम का नहीं ये तो बात नहीं कतर चढ़ाना भाई। तो भाई स्वागत है तुम्हारा एक और नए ब्लॉग में। और यार ये ब्लॉग हो रहा है शाम को स्टार्ट, और शाम को क्यों स्टार्ट हो रहा है ये भी बताता हूँ। उससे पहले अगर तुमने ब्लॉग्स बैंग गैंग को ज्वाइन नहीं करा तो कर लो यार, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और जुड़ जाओ चैनल के साथ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो भाई ये ब्लॉग शाम को क्यों स्टार्ट हो रहा है ये भी बताता हूँ। आज यार पता नहीं क्या चूल उठी मेरे को कि मोटो ब्लॉग करना है, तो चलो यार करते, जब मन में है तो जो मन में आए करना चाहिए यार, बस गलत काम छोड़ के ठीक है तो कर दो। तो यार मेरे पे ना एक रीजन भी है कि क्यों करना है मोटो ब्लॉग, तो यार दिखाता हूँ रुको। ये देख रहे हो मैंने ना एक नेक बैंड लिया था ये अभी नया ही, तो यार इसे टेस्ट करना है माइक वगैरह की कैसा चल रहा है, कैसा नहीं आ रही है आवाज़, नहीं आ रही है सही से, तो यही टेस्ट करना है। तो भाई जॉब से छुट्टी होने वाली है और मैं ना तुम्हें डायरेक्ट सेटअप वगैरह करके सीधा गाड़ी पे मिलता हूँ, चलो ठीक है बाय बाय। तो भाई व्लॉग करते हैं कंटिन्यू। और यार आज ना मेरे को थोड़ा लेट हो गया यार निकलने में, क्योंकि यार सर का लैपटॉप रखा होता हूँ ऑफिस में और मैं वेट करे जा रहा था, आएंगे 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 और ऐसे ही करते करते ना 8 बज गया भाई मेरे को यहीं पे, और इतनी लेट हो गई ना निकलने में। और फिर उसके बाद मैं ऊपर से घर छोड़ने गया लैपटॉप, और उससे उसमें भी लेट हो गई मेरे को थोड़ी सी। बट जो भी हो यार इतने दिनों बाद मोटो ब्लॉग करके मज़ा तो आ रहा है भाई, अच्छा लग रहा है भाई कसम से। मन करता है यार कि रोज़ करूं, पर यार नहीं हो पाता, पता है क्यों नहीं हो पाता। मोटो ब्लॉगिंग बहुत हार्ड है यार करना, लोगों को लगता होगा ना कि आसान है, बट यार बहुत हार्ड है कसम से बता रहा हूँ मैं। देखो एक तो होता है माइक वगैरह सेट करो, उसका एंगल सेट करो, फिर उसके बाद मेरे पे तो माउंट भी वैसा है भयंकर चेस्ट माउंट है, बताओ यार उसे तो पहनो, पहले टी शर्ट के ऊपर पहनना पड़ता है, तो यार इसीलिए ना मेरे को थोड़ा वो लगता है यार, हार्ड सा लगता है मेरे को वो। तो यार इसलिए ना मेरा मन नहीं करता यार कि मोटो ब्लॉग करने का ना भाई, बहुत 50 दिक्कतें हैं भाई, एक ही दिक्कत नहीं है उसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, कभी वॉइस रिकॉर्ड हो ना हो, वीडियो रिकॉर्ड हो ना हो, और मेरा तो माउंट भी ऐसे ना अगर फ़ोन होल्ड करो ना उस पर तो उसका पावर ऑफ का बटन दब जाता है और वो बंद हो जाता है भाई। इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी से ना 1000 सब्सक्राइबर करवा दो भाई, ताकि हम GoPro ले आए, कसम से बता रहा हूँ तब देखना क्वालिटी। तो तुम जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही करवा दोगे ना वैसे ही GoPro आ जाएगा भाई, और क्योंकि मेरे को भी दिक्कत हो रही है देखो मोटो व्लॉग वगैरह बनाने में है, और तुम्हें भी देखने में मज़ा नहीं आएगा, तो फ़ायदा नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी 1000 करवा दो। तो यार ये वाले रास्ते से चलते गढ़ी कैंट वाले से, ये भी आगे बिंदाल पुल पर मिलता है, क्योंकि यार पता है क्या सीन है, ये वहाँ ना काली माता का मंदिर है, तो यार इसलिए ना वहाँ भीड़ लगी रहती है बहुत ज़्यादा, पूजा वगैरह करने आते होंगे ना लोग, तो इसलिए तो बहुत ज़्यादा मतलब पूरा जाम ही लगा रहता है, ये समझ लो रेड लाइट, 2 बार रेड लाइट खुलेगी उसके बाद तुम चलोगे, ऐसा सीन होता है वहाँ। और यहाँ से भी डायरेक्ट बिंदाल पुल पर ही मिलता है ये रोड जाके, तो यहीं से निकलते हैं। तो भाई तुम्हें ना एक और चीज़ बताता हूँ, जो GoPro की दुकान है ना वो भी भाई इसी रोड पे है कसम से, रोज़ देखते हुए जाता हूँ, अब तो रोड़े भी चीख चीख के बोल रहे मेरे को कि भाई GoPro ले 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 ले। यार लूँगा तभी तो जब तुम लोग 1000 सब्सक्राइबर कराओगे भाई, तो भाई बहुत बार याद दिलाना पड़ता है यार, कितनी बार याद दिलाऊँ मैं है, अब तो देख लो रोड़े भी रोड़े तक बोल रही है भाई कि ले ले भाई GoPro ले ले, तो जल्दी करवा दो देखो यार। भाई तुमने कुछ चीज़ नोटिस करी, अगर करी हो ना तो कमेंट में बता देना, वरना मैं बताता हूँ क्या चीज़ है वो। तो भाई गाड़ी को ध्यान से देखो, कुछ कमी लग रही है उसमें, लग रही है, तो भाई मैंने ना दोनों शीशे निकाल दिए गाड़ी के, देखो सिर्फ तुम्हारे लिए, हाँ हाँ तुमने सही सुना, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि गाड़ी ब्लॉग में पूरी दिखे, क्योंकि यार मैंने देखा है फ्रेम से ना बाहर जा रही होती है गाड़ी, शीशे वगैरह ना शीशे ही शीशे जाते हैं बस फ्रेम से बाहर, बाकी गाड़ी पूरी दिखती है। अब बाकी पता नहीं अभी कैसा आ रहा होगा एंगल वगैरह, मेरे को पता नहीं, मैं एडिटिंग पे बैठूंगा तभी पता लगेगा मेरे को। तो भाई जिस चीज़ को ट्राई करने के लिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ मैं उसी की बात करना भूल गया, अबे भाई पागल है क्या, बीच में क्यों खड़ा हुआ है, अबे भाई बच गया ये साला, ठुक ठक जाता अभी, फिर मेरी गलती निकालते लोग,
साला बीच, अबे भाई पी रखी यार इसने शायद, सही पे पी रखी है पागल है, पता नहीं क्या किसी को बोल रहा है कि आजा ठोक दे मुझे, आजा ठोक दे। अबे ठोक गया ना किसी ने साले, उड़ जाएगा पूरा भाई साहब। बच गया यार कि अचानक से आगे आ गया, डर गया मैं भी भयंकर, साले को उड़ा उड़ा ही देना चाहिए था। दिमाग खराब होता यार ऐसे लोगों को देख के, साले पी पू के रोड में आ जाते हैं, फिर गलते निकलते दूसरे के, दूसरा बंदा भी फंसता है। हद है यार, अगर भाई पीनी है तो अपने घर में जाके पियो ना, रोड में पी के रहेगा तुम, मेन रोड पे आ रहे हो, कोई उड़ा देगा, कोई ठक्कर मार देगा, तो भाई गलती उसी बंदे की निकलेगी जिसने मारा है। खैर छोड़ो यार, ऐसे लोग तो लाखों करोड़ों होंगे दुनिया में, किस किस को समझाते फिरे हम अपने काम पे ध्यान रखते, बस और क्या। भाई मेरे को ना एक और चीज़ बताना यार कमेंट में, और जेन्युइन सच सच बताना भाई, देखो कि तुम्हें मोटो व्लॉग वगैरह पसंद आते नहीं आते? अगर आते तो ठीक है करूँगा मैं, अगर नहीं आते तो भाई मैं बिल्कुल ही छोड़ दूँगा, कसम से नहीं करूँगा भाई। भाई जो तुम्हें पसंद आए वो चीज़ करनी क्यों, और जो पसंद आएगी वो तो करूँगा ही फिर, ठीक है? तो ये चीज़ भी बताना मोटो व्लॉग वगैरह कैसा लगता है तुम्हें। तो लो भाई पहुंच गया सिल्वर सिटी, और जो देहरादून वाले होंगे वो तो समझ ही जाएंगे यार सिल्वर सिटी कहाँ पे है। और यहाँ से सीधा निकल जाओगे ऊपर तो राजपुर रोड मसूरी को निकल जाओगे, और यहाँ से राइट ले लोगे तो केनाल रोड, केनाल रोड वही जहाँ पे प्रो राइडर 1000 भाग रहा था ना पुलिस से बच्चे की, भाग भाग वही केनाल रोड ले ले, क्या नाम था उस बंदे का पता नहीं, कुछ नाम था उसे बोल रहा था वही, यहाँ से केनाल रोड ले ले केनाल रोड। तो भाई यहाँ से राइट ही है वो केनाल रोड, देखो यही मेरा घर है। तो भाई यहाँ ना मैं किसी की साइड नहीं ले सकता यार, प्रो राइडर सही है या पुलिस वाले सही है, प्रो राइडर गलत है या पुलिस वाले गलत है, मैं किसी की साइड नहीं ले सकता, क्योंकि यार मेरे को पता नहीं दोनों एंड से क्या क्या हुआ है, तो यार मैं कुछ बोल भी नहीं सकता ना। तो एक चीज़ गलत करी पुलिस वाले ने, पुलिस वालों ने भाई मीम बना के डाल दिया भाई, कसम से मीम बना के डाल रखा है, अगर मेरे को मिलेगा ना तो मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा वो मीम भी भाई, कसम से पुलिस वाले खतरनाक है यार, आजकल पुलिस वाले मॉडर्न हो गए खतरनाक एकदम, सब पता लग गया मीम वगैरह से बंदा डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो लो भाई तुमसे बातें करते करते घर भी आ गया मैं, मतलब आ के गया, पहुंच गया यार घर, पता ही नहीं चला मैं कर बातें करते करते कब पहुंच गया। और रुको यार मैं गेट वगैरह खोल के उसके बाद मिलता हूँ तुम्हें, ठीक है? बड़ी दिक्कत है यार, उतर जाए रात को सही। ओह चढ़ाई देख रहे हो खतरनाक है, पैंक कर यहाँ देखो, यहाँ से तो उतारना ही दिक्कत है, चढ़ाना दिक्कत है भाई। तो चलो भाई उतर गई, तो भाई ये ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक। और यार ये जो ब्लॉग देखा ना अभी तुम लोगों ने, इसमें ना मैंने पूरा वॉइस ओवर कर रखा है, और क्यों कर रखा है ना भाई, ये किसी काम का नहीं है भाई, कसम से ये बिल्कुल ही खत्म है, नहीं आ रही भाई आवाज़ वगैरह, बाहर की आवाज़ आ रही थी हॉर्न वगैरह की, गाड़ी की और हवा की, बाकी मेरी आवाज़ तो आ ही नहीं रही है, इतनी हल्की हल्की आ रही, तुम्हें सुनाई भी नहीं देगा, डालूंगा भी नहीं मैं वो ब्लॉग ऐसे। तो ये जो देखा तुमने अभी ब्लॉग ना, ये वॉइस ओवर करा हुआ था, तो बस ये ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, और मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय 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 बाय।